गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो मैं अभी अभी उठा हूँ जस्ट, और मुझे बहुत ही नींद आ रही थी तो आज मैं सुबह नहीं उठ पाया। अभी 9 बज रहे और अंदर क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए हम अंदर चलते हैं। तो अभी इधर पूजा चल रही है और ये जय श्री कृष्ण लसन पूजा સવાર અત્યારે અમે ઊંઘી નીચે આવ્યા, સવારની શરૂઆત પાછું ઉઠવાથી કરીએ છીએ, ભગવાનની પૂજા ને બધું કરીએ અને અહીંયા શું બને? દાળ બફાવા મૂકી છે, દાળ ભાત બનશે, કઢી ભાત છૂટું બનશે, વેડમી બનશે, ગણપતિ દાદા આવ્યા છે તે માતા ઘર આવી છે, વેડમી તો મારી ફેવરેટ છે, આજે વેડમી બનશે મારા જૈન ભાઈ, તો મજા આવી આ વેડમી ખાવા। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए 9:30 और हम जा रहे हैं अभी किचन में। तो आज कुछ किचन में पक रहा है कुछ खास, और ये है पूरन पूरी का मावा जिसे हम बोल रहे हैं वेडमी। तो क्या डाला है आपने ने इसमें वेडमी में? हमारा खसखस ना की इलायची, खसखस, गुड़, दाल, ये बधु पड़ी ने मावो पड़े तो गाइस ये वेडमी का मावा हो गया है तैयार। अभी इसको बनने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी माता जी खुड़ियार माँ, और ये है हमारे कान्हा जी, जय श्री कृष्ण, और ये है हमारे महादेव। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रोज़ ये गाय हमारे घर पे सुबह और शाम आ जाती है रोटी खाने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है ये जो गाय हमारे घर पे रोज़ हमको दर्शन देने आती है। गुड मॉर्निंग। देखो भैया ये गाय का नज़ारा, बहुत ही अच्छी गाय है ये, हर रोज सुबह और शाम हमारे घर पे दर्शन करने के लिए आ जाती है, बिल्कुल हमको दर्शन देती है ये। तो गाइस ये भी आ गया हमारे घर पे अभी सुबह सुबह में दूध पीने के लिए। इसका फिक्स टाइम है भाई, टाइम अपना नहीं चूक रहा है दूध पीने में, और रोज आ जाता है सुबह सुबह में। तो ये प्रकाश काका, शाम को हमारे घर पे इनके तरफ से आरती रखी है गणपति जी की। कितना वगे पधरवाना आरती में? 8 वागे। ओके, घर ना बधा आई जाओ आरती में टाइम है। तो गाइस यहाँ पे बन रही है कढ़ी, तो चलो देखते हैं कैसे बन रही है कढ़ी। ये क्या डाला आपने इसमें? इसमें छाछ है, चने का लोट है, मिर्चा और लहसुन, मिर्ची और लहसुन डाला इसमें, थोड़ा मीठा लिमड़ा। ये हो गया अब सब मिक्स। थोड़ा अंदर गुड़ डालेंगे मीठे के लिए। इससे क्या होता है, गुड़ डालने से क्या होता है? कड़ी मीठी बनती है, खट्टी मीठी लगती है, मीठी और खट्टी कड़ी लगती है गुड़ डालने से। ओके, तो गाइस अभी दिखाएंगे आगे आपको क्या प्रोसेस होती है, हम दिखाएंगे क्या होती है प्रोसेस कढ़ी में। अभी इसको रख दिया है उबलने के लिए, थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। तो गाइस अभी सुबह के बजे 10 और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और आज खाने में क्या बना है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस अभी तो मैं पढ़ने बैठा था और मेरी मम्मी क्या लेकर आई है, थाल लेके आई है गणेश जी के लिए।
ओके, तो मेरी मम्मी अभी गणेश जी के लिए थाल लेके आई है। और थाल में वेडमी चावल, वो क्या कहते हैं उसको, मैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हमारे में इसको छुट्टू कहते हैं, और कड़ी। तो गणेश जी को धरा रहे भाई, थाल खिला दिया और थाल धरा दिया है मेरी मम्मी ने, तो नीचे लेके जा रही है। तो गाइस आ गए अभी हमारे रूम पे और ये कर रहे हैं सुबह के काम। जय श्री कृष्ण। हेलो दोस्तों, मैं और प्रज्ञेश आ गए अभी रामापीर जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। और आज ये रामापीर की नौम और यहाँ पे रामापीर की नौरते चल रही, तो अभी नौरते के दिन अभी सब मेजा चढ़ाते, तो चलो हम आपको दर्शन करवाते हैं रामापीर जी के। तो गाइस मैं और प्रज्ञेश आ चुके रामापीर के मंदिर में। ये देखो महादेव जी के दर्शन, हर हर महादेव। यहाँ महादेव का मंदिर और रामापीर का मंदिर दोनों है। और ये पास में भी हम लाइन में खड़े हुए हैं, अभी जाएंगे रामापीर के दर्शन के लिए। यहाँ देखो बहुत ही अच्छी कामगिरी है मंदिर। रामापीर के दर्शन करके बाहर आ गए और हम अभी आए नेजा के दर्शन करवाने के लिए। आपको टेरेस पर आए और वापस बारिश शुरू हो गई ऐसा लग रहा है ना प्रभु। हाँ, वापस बारिश का मौसम दिख रहा है। और कैसा था मंदिर आज दर्शन करने का, मजा आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा मंदिर था। ओके गाइस, आज प्रज्ञेश भाई को भी बहुत मजा आया दर्शन करके। ऐसे कभी आए थे तुम नौम के दिन दर्शन करने के लिए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए थे। निकल चुके हैं अभी मंदिर से, अब हम जा रहे हैं घर पे। ओके बाय दोस्तों, बाय। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ और मैंने टी शर्ट वापस बदल ली वहाँ नीलकंठ महादेव जाकर। फिर अभी तो आरती की तैयारी हो रही है गणेश जी की, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या तैयारी हो रही है। आज रामापी की भी आरती होगी इधर नीचे और इधर म्यूजिक बज रहा है। अभी हम बाहर तो अभी पूरा अंधेरा अंधेरा है, तो वीडियो में ठीक नहीं आएगा, इसलिए हम बाहर नहीं जाते। सबसे पहले तो आती है मिर्ची, फिर ऑनियन, चिप्स और देख लो आज हमारे घर में बन रहा है भजिए, और ये मेथी का है, मुझे नहीं पता था इसका नाम। तो ये सब बना रही है मेरी मम्मी। तो चलो शुरू करते हैं।
ये डालते हुए पहले बजिया और एक और बजिया डालते हुए और तीन चार, तो अभी बहुत सारे भजिया बन चुके मेरी मम्मी ने बना दिए। ये सब कहाँ से सीखा है आपने? ये मैंने खुद से पहले से ही बनाती हूँ, अपने आप सीखा है। नहीं नहीं, देखे बिना तो नहीं आते। ऐसे ही मेरी मम्मी बनाती थी ना, तो उससे सीख लिया। हाँ, तो ये है राज, अपनी मम्मी से सीखा है इसने। बहुत ही अच्छे, देखो कितना फूल तक बड़ा हुआ है। कितने अच्छे दिख रहे हैं गाइस, मजा आ जाएगा आज तो। गाइस यहाँ हो गए है खाना शुरू, और आज अलग अलग प्रकार के गर्मा गर्म भजिए है, तो देखिए ये भजिया पार्टी शुरू हो गई है अभी। प्रणव, भजिया खाने में कैसा मजा आता है? फर्स्ट क्लास। और ये चटनी बनाई है ग्रीन वाली, वो कैसी लग रही है? अच्छी, बहुत अच्छी है। ओके, खाइए और मौज कीजिए। ओके, और तुमको कैसा लगा भजिया? बहुत बढ़िया, बहुत मजा है। मजा है चम्मच समय गरम गरम घोटा खाने मजा है। और ये ओके, और तुमको कैसा लगा भजिया? अच्छा है। अच्छा है, कौन से वाला अच्छा लगा? मेथी का, बटे का, का और भिंडी का? प्याज वाला? प्याज वाला। प्याज वाला अच्छा लगा। और ये मयूरी कुछ सोच में ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है सोच के अंदर? और ये ग्रीन चटनी भी साथ में खाओ, मजा करो। ये पार्थ कुछ बोल नहीं रहा अभी, हमने इसका आवाज नहीं सुना है। अच्छा है सब, तो कहाँ गए थे तुम अभी तक? पढ़ रहे थे तुम? वाह, ये कामगिरी बहुत अच्छी, पढ़ने वाली कामगिरी मेरे को बहुत ही पसंद है भाई। तो गाइस अभी खाना सबका हो चुका है और रात के बज रहे 10, तो आज के इस वाले व्लॉग में बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।